हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। मैं हूं रवि जैन और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लारा दत्ता और रिंकू राजगुरु, जो नजर आएंगे हॉटस्टार की जो नई सीरीज है 100 में। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज में। थैंक यू रवि जी। लारा, सबसे पहले आपसे सवाल, आप इसमें एक एसीपी का किरदार निभा रहे, पुलिस डिपार्टमेंट में जो काम करती है उसका एक किरदार आप निभा रहे हैं, और ये किरदार काफी बिंदास, बेबाक और एक अलग किस्म का किरदार है। लारा, कितना मजा आया आपको इस सीरीज में काम करके, 100 में काम करने के बाद, और इस ये जब ऑफर आया तो कैसे आपने एक्सेप्ट किया, वो प्रोसेस भी बताएं, क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? एक्चुअली ऑनेस्टली रवि जी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। मैं ऐसे कोई एक्टिवली यू नो वेब सीरीज नहीं ढूंढ रही थी, और सिर्फ रुचि नारायण जी आए थे मेरे पास ये स्क्रिप्ट लेके, ये कह के कि लारा हम एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने मुझसे और कुछ ज्यादा कहा नहीं, बट कि बस यही कहा कि यू नो वी वुड लाइक टू कंसिडर यू फॉर वन ऑफ द रोल्स, क्या आप इस स्टोरी को सुनेंगे, हम आपके यहाँ पे आकर आपको 1 या 2 एपिसोड सुनाए देंगे। तो रुचि को मैं बहुत सालों से जानती हूँ, और मैं बहुत साल से ऐसे सोच रही हूँ कि आई रियली वॉन्टेड कि कोई महिला मुझे डायरेक्ट करे, यू नो आई रियली वॉन्टेड कि मुझे कोई वुमन डायरेक्ट करे, जो मैंने अभी तक अपने करियर में एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो जब रुचि आए मेरे पास और उन्होंने कुछ 2 एपिसोड सुना के दिए मुझे, कुछ चीजें बहुत ही अच्छी लगी। एक तो एसीपी सौम्या शुक्ला का जो किरदार है, वो जिस टाइप की औरत है, हमने बहुत सारे फिल्मों और सीरियल में पुलिस ऑफिसर्स को देखे हैं, लेकिन ज्यादातर से सारे जितने हमारे स्क्रीन पे पुलिस ऑफिसर्स पोर्ट्रेट होते हैं, वो ज्यादा वो हीरो के रूप में प्रस्तुत होते हैं, यू नो कि वो जो विजिलेंटेस होते हैं, जो सोसाइटी को बदल देते हैं, जो बैड गाइज को पकड़ लेते हैं। ये जो पुलिस ऑफिसर थी, महिला जो पुलिस ऑफिसर थी, वो एक बहुत ही फ्लॉड कैरेक्टर है। अगर आप देखेंगे शो को भी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है कैरेक्टर है, वो परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है। एक मर्द की दुनिया में अपने लिए एक मकाम यू नो क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रही है, अपने लिए एक जगह क्रिएट करने के लिए कोशिश कर रही है। और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि ये दोनों जो किरदार है, नेत्रा पाटिल और सौम्या शुक्ला की, इतने अलग किस्म के दो रूप की महिलाएं हैं। एक जिसकी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है, नेत्रा पाटिल की, जो एक बहुत ही कम उम्र की लड़की है। एक औरत जो जिसने बहुत कुछ देख लिया है जिंदगी में, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से चलते हुए भी अपने लिए नहीं जी रही है। और इन दोनों का साथ मिलना और जो पूरी जो स्टोरी फिर क्रिएट होती है, मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग एक प्रॉस्पेक्ट थी, इसलिए मैंने 100 के लिए हाँ कहा। रिंकू, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने 13-14 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत की थी साइराट फिल्म की, मराठी फिल्म, जिससे आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली। ये पहला मौका है जब आप किसी हिंदी सीरीज में नजर आएंगी, हालांकि आप अमिताभ बच्चन की फिल्म झुंड जो नागराज मंजुले कर रहे हैं उसमें कैमियो निभा रही है, लेकिन फिर भी आपका ये अनुभव जो है हिंदी इंडस्ट्री में काम करने का पहला है। कितना आसान और कितना मुश्किल था आपको इस सेटअप में काम करना, हिंदी में डायलॉग्स बोलना, क्योंकि मूलतः आप मराठी हैं और अब तक मराठी में ही काम किया है आपने जितनी भी फिल्में की हैं, तो कुछ बताएं इसके बारे में। जी, डिफिकल्ट तो बहुत था। पहले तो मैं बहुत डर गई थी कि सब हिंदी लोग होंगे और मेरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो मैं कर पाऊंगी या नहीं। लेकिन जब मैं सेट पे गई ना, कुछ दिनों के बाद मुझे उन्होंने मतलब पहले से बिल्कुल महसूस ही नहीं होने दिया कि मैं किसी और इंडस्ट्री से या मराठी इंडस्ट्री से हूँ। मुझे वो अपने लगने लगे और बहुत इजीली काम हो गया। शायद इतने सारे अच्छे लोग थे हमारे सेट पे, इसलिए। पर डर तो अभी भी लगता है जब मैं हिंदी में बात करती हूँ। आप हिंदी सीख रहे हैं पूरी तरह से, आप सीख नहीं पाए हैं, आप पूरी तरह से कम्फर्टेबल नहीं है हिंदी में अभी? कंफर्टेबल तो हूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी हिंदी बिल्कुल भी नहीं आती है, टूटी फूटी हिंदी होती है मेरी, और अभी भी सीख रही हूँ मैं सारी चीजें।
तो सेट पे डायलॉग राइटर ने डायलॉग सोचने काफी हेल्प की होगी आपको वो हिंदी डायलॉग बोलने की, सबने की, लेकिन शायद नेत्रा की हिंदी मेरी जैसी होगी क्योंकि नेत्रा पाटिल भी एक मराठी लड़की है जो हिंदी में बात करती है और मैं भी एक मराठी लड़की हूँ जो हिंदी में बात करती हूँ, तो शायद इसलिए वो आसान है, उनको यही चाहिए होगा टूटी फूटी हिंदी। रिंकू आपके ज्यादातर सीन सीरीज में मैंने 5 एपिसोड देखे हैं, आपके ज्यादातर सीन लारा दत्ता के साथ हैं जो काफी अच्छी अदाकारा मानी जाती है और पिछले 20 साल से इंडस्ट्री में काम कर रही है, कितना मजा आया उनके साथ काम करने को लेकर, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो सीन्स भी है काफी मजेदार किस्म के सीन है, कितना एंजॉय किया और कुछ अच्छी यादें अगर सेट से आप बता सके कुछ लारा के साथ काम करने के, कुछ इंसिडेंट्स बता सके, क्या कुछ हुआ शूटिंग के दौरान? कि मजा तो उनके साथ बहुत आया क्योंकि वो बहुत सालों से काम कर रही है और वो मिस यूनिवर्स है, इसलिए मैं तो बहुत खुश थी कि मुझे उनके साथ हिंदी में काम करने के लिए मौका मिल रहा है और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है उनसे काम करते समय सारी चीजें, और कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, वो बहुत इजी आते थे सेट पे और कहते थे हाँ चलो रिंकू हम ये सीन करते, और पता नहीं था वो डर चला जाता था तब उस समय, और बहुत आसानी से हम काम करते। लारा रिंकू के साथ काम करके आपको कैसा लगा और क्या कुछ आपको ऐसा लगा कि रिंकू को बताना चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री में नहीं है हालांकि 3-4 साल हो गए उन्हें, फिर भी काफी छोटी है उम्र में, आपने क्या कुछ उन्हें सिखाया, किस तरह के सवाल रिंकू पूछा करती थी आपसे जब आप दोनों सीन्स कर रहे थे शूटिंग पे? नहीं, आई थिंक यू नो मैं व्यूअर्स को बता दूं कि रिंकू एज एन एक्टर, रिंकू बहुत बहुत टैलेंटेड है और रिंकू की सबसे बड़ी एक अच्छी खासियत ये है कि वो एक बहुत ही इंस्टिंक्टिव एक्टर है, जब भी वो सेट पे आती है वो सुनती है क्या सीन है, क्या परफॉर्म करना है आज, कौन सा सीन है, जैसे आप बात कर रहे थे अभी कि यू नो हिंदी रिंकू की फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, वो मराठी है और हिंदी में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अगर आपने शो देखा है रवि जी और आपने 5 एपिसोड देखे हैं तो जिस तरीके से रिंकू अपने डायलॉग्स बोल रही है वो आप कभी ये नहीं जान पाएंगे कि रिंकू हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है, और वो एक अपने हर सीन में अब उसका जो अप्रोच है एज इट इज, उसका जो किरदार, वो एक ऐसी लड़की का है जिसने बहुत कम एक्सपीरियंस किया है जिंदगी में, लेकिन अभी उसने तय कर लिया है कि अगर मेरे पास सिर्फ इतना ही वक्त है तो मैं जिंदगी से पूरा निचोड़ के, जितना मैं निचोड़ सकती हूँ उतना उसे निचोड़ के जीना चाहती हूँ, तो ये जो इनएक्सपीरियंस जो असलियत में रिंकू की जिंदगी में है ये एक्चुअली उसके लिए एक एसेट था इस रोल के लिए, यू नो क्योंकि जो भी उसने कहा बहुत ही नेचुरल ही था, बहुत ही इंस्टिंक्टिव था, और ये मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा था किसी से कि बहुत सारे ए ग्रेड कलाकार के साथ मुझे मौका मिला है काम करने के लिए अपने करियर के दौरान, और एक ऐसे एक्टर थे जिसे जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो है गोविंदा जी, और कहीं ना कहीं रिंकू के साथ काम करते हुए एक छोटी सी गोविंदा जी की जो झलक मुझे रिंकू में भी मिली, क्योंकि गोविंदा जी इतने नेचुरल और इंस्टिंक्टिव है, वो बिल्कुल एकदम एफर्टलेसली फ्लॉलेसली किसी भी सीन या किसी भी किरदार को निभा सकते हैं, और रिंकू में भी ये क्वालिटी है, एंड आई एम श्योर कि ये तो उसकी करियर की शुरुआत है, साइरट में तो ऑलरेडी वो सबके दिल में छा गई, लेकिन फिर भी जहाँ उन्होंने डेब्यू मारा है डिजिटल स्क्रीन पे, बस अब हम रिंकू को और देखते ही जाएंगे अलग अलग स्क्रीन पे। थैंक यू। रिंकू क्या कुछ कहना चाहेंगी, लारा ने इतनी तारीफ की अभी आपकी, बहुत अच्छा एक्ट्रेस भी आपको बताया, क्या कुछ कहना चाहेंगी आप लारा की इस कमेंट पर? थैंक यू कहूंगी और कुछ नहीं, बहुत खुश हूँ, सब नहीं है मेरे पास, क्या कहूँ, ऐसा लग रहा है अभी। वो कौन से सवाल थी जो आपके मन में, सवाल थे जो आपके मन में आते थे कि लारा से पूछे जाए, और लारा आपको किस तरह से गाइड करती थी, आप अगर कुछ बताएं हमें? गाइड पता नहीं, पर वो बता नहीं सकते, वो हो जाता है ऑटोमेटिकली, सवाल बहुत थे पर पता नहीं वो जिस तरह से है मैं उनसे पूछ ही नहीं पा रही थी, मुझे उनसे पूछना था कि आपकी शुरुआत कैसी हुई थी, आपने किस तरह, आप किस तरह यहाँ तक आए हो, बहुत कुछ था, पर
पर वक्त ही नहीं मिला, इतनी मेहनत करनी पड़ी सेट पे, वक्त कहाँ था एक्चुअली। बीच बीच में मजे भी बहुत किए हम लोगों ने, उन्होंने इंस्टा पर भी डाला है हमने जो जो मजे किए जब सीन खत्म होता था। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ सकूं कि रियल लाइफ में आप क्या कुछ करना चाहती हैं, क्या कुछ अचीव करना चाहती हैं, हालांकि अभी आप काफी छोटी हैं, पूरी जिंदगी आपके सामने पड़ी है, लेकिन अगर मैं कुछ पूछूं दो तीन ऐसी चीजें हैं कि जो आप जिंदगी जीना चाहती हैं उस तरह से अपने टर्म्स पर, वो क्या क्या बातें होंगी? हालांकि आप एक्टिंग तो कर रहे हैं, उसके अलावा आप क्या कुछ करना चाहती हैं, क्या कुछ अचीव करना चाहती है जिंदगी में, क्या ख्वाहिशें हैं आपकी? मुझे भी इसका जवाब पता नहीं सच कहूँ तो, पर हाँ काम में तो अच्छे लोगों के साथ काम करना चाहती हूँ। बहुत कुछ सीखना है मुझे, मुझे कुछ पता नहीं है, बहुत सारी फिल्में करनी है, अच्छे अलग अलग किरदार निभाने हैं, रियल लाइफ में भी हमेशा फैमिली के साथ रहना है, अभी दोस्तों के साथ रहना है, बहुत घूमना है, फिरना है, खाना है, सब कुछ करना है, सब कुछ करना है जी। लारा आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके लिए सबसे मुश्किल क्या था ये किरदार जब आप एसीटी का निभा रही थी? हालांकि अगर फिल्मों की बात की जाए, बॉलीवुड फिल्मों की बात की जाए, तो काफी टाइपकास्ट होते हैं इस तरह के रोल, पुलिस वालों के रोल, अगर फिल्मों की बात की, हालांकि वेब सीरीज जो बन रही है तमाम प्लेटफॉर्म पर, उसमें जो पुलिस वालों का किरदार दिखाया जाता है वो काफी रियलिस्टिक होता है। मेरे लिए रवि जी कुछ बहुत, मैंने इस किरदार को निभाने के लिए काफ़ी कुछ प्रेप भी किया था और काफ़ी पुलिस ऑफिसर से मिली भी, और एक जो चीज़ है वो फिजिकली सौम्या शुक्ला को स्क्रीन पे पोर्ट्रे करना। एज अ वुमन पुलिस ऑफिसर वो एक रैंक पे है, तो सिर्फ कांस्टेबल या इंस्पेक्टर नहीं है, वो एसीपी है, और एसीपी के दौरान जिस तरीके से एसीपी ऑफिसर्स डीसीपी ऑफिसर्स अपने जूनियर्स को कमांड्स देते हैं, जिस तरीके से उन्हें ऑथराइज उनको ऑथराइज करते हैं, इन सब चीज़ों में जितनी सारी महिला पुलिस ऑफिसर से मिली मैं मिली, तो बहुत सारे उन्होंने कहा कि हमारे पास ये फुर्सत भी नहीं, हमारे पास लग्जरी भी नहीं है कि हम किसी भी तरीके से फेमिनिन बने या कोई फेमिनिटी हमने दिखे, क्योंकि ये फेमिनिटी फिर वीकनेस की तरह देखी जाएगी या कंसिडर की जाएगी, तो एज अ पुलिस ऑफिसर हम वीक नहीं हो सकते। तो इतने सालों में धीरे धीरे फोर्स में बढ़ते बढ़ते हुए बहुत सारे विमेन ऑफिसर्स, विमेन महिला ऑफिसर्स एकदम से अपने आप को पीछे छोड़ के, अपने अंदर की जो फेमिनिटी है वो पीछे छोड़ के ऑलमोस्ट अपने मेल काउंटर पार्ट या मर्दों के जैसे ही बन चुके हैं। तो अगर आप सौम्या शुक्ला की बॉडी लैंग्वेज भी देखेंगे, जब वो अपनी टीम के साथ रेड मारने जाती है तो वो मेल ऑफिसर से अलग नहीं दिखती, बॉडी लैंग्वेज में भी जैसे वो भागती भी है, गन भी पकड़ती है, एक जो क्योंकि बहुत बार मैं कह रही हूँ लेकिन सच की बात है कि मर्द को अच्छा नहीं लगता कि वो औरत से कमांड ले या औरत की सुने, तो अपने ऑफिसर्स को आप कैसे कमांड दे, कैसे करें, क्या ताकि वो आपको रिस्पेक्ट करे और आपकी एक इज्जत रखे, तो आई फील कि ये सब चीजें मुझे मन में रख के इस कैरेक्टर को क्रिएट करना था। और ये भी बहुत जरूरी था कि अगर आप देखेंगे जैसी शो भी जा रही है, सौम्या नेगेटिव कैरेक्टर नहीं, लेकिन अपनी स्थिति में काफी फ्रस्ट्रेटेड है वो, कि और लेकिन वो अच्छी पुलिस ऑफिसर है, इसलिए जो परमीत सेठी जी का जो किरदार है डीसीपी अंशुमन जो उनके बॉस है, वो कभी भी उनके मुंह पे वो इनसबॉर्डिनेट नहीं होती होगी, वो जितना भी बोल दे उनको, जो भी कह दे, वो कभी उनको उनके सामने वो उनकी रिस्पेक्ट हमेशा करेगी, वो कभी उनको उनके खिलाफ नहीं जाएगी। आप दोनों से मैं सवाल पूछना जरूर चाहूंगा कि लॉकडाउन देश भर में लागू है और एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, सभी अपने घरों में कैद हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं जब तक कि बहुत जरूरी काम ना हो, ऐसे में लारा और रिंकू ये बताइए आप दोनों की किस तरह से आप लोग इस लॉकडाउन से कोप अप कर रहे हैं, क्या कुछ अपने अपने घरों में कर रहे हैं आप? रिंकू हम जानते हैं कि आप महाराष्ट्र के जो आपका अपलूस गांव है वहां पर है इस वक्त अभी, आप सबसे पहले बताइए कि आप क्या कुछ कर रही हैं वहां पर, कैसे आपका बीत रहा है लॉकडाउन, घर में रहते हुए क्या कुछ करती है, क्या आप कितना बोरियत महसूस हो रहा है आप? जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि कल से तो मुझे सबके फोन और SMS आ रहे कि हम 100 देख रहे हैं, हमें मजा आ रहा है,
और लारा जी को भी मैं बताना चाहूंगी कि मेरी माँ ने तो उनको सिंघम और दबंग लेडी करके नाम दिया है। और बहुत सारे काम है करने के लिए, ड्राइंग करती हूँ, फिल्में देखती हूँ, अभी खाना बनाती हूँ कभी माँ के साथ, पैनकेक सीखा है, कुत्ता है उसके साथ खेलती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ, और हाँ और 100 का मजा ले रही। सही है, बताइए कि लॉकडाउन जब खत्म होगा रिंकू, तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाली हैं? पता नहीं, जब खत्म कब होगा तब देखेंगे। दोस्तों को बहुत मिस कर रही होंगी, अपने फ्रेंड्स को? जी, लेकिन हम फोन पे बात करते हैं, इसलिए मैं कहती भी नहीं हूँ कि मैं मिस कर रही हूँ, वरना वो तुरंत आ जाएंगे जहाँ है वहां से। तो मैं कहती हूँ घर बैठो 100 देखो और वहां पे मुझे देखो। लारा आप बताइए कि आप लॉकडाउन से कैसे कोप अप कर रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं आप इस वक्त घर में रहकर? रवि जी मैं तो बहुत ही बिजी हूँ, मेरी छोटी बेटी सिर्फ 8 साल की है, तो उसके मनोरंजन में आधा दिन निकल जाता है, उसके स्कूल के क्लासेस भी हैं ऑनलाइन, और फिलहाल तो इतने दिनों से हम 100 को प्रमोट भी कर रहे जा रहे, तो बहुत ही बिजी रहे हैं। लेकिन थोड़ा बहुत वक्त मिला है कि मैं वापस थोड़ी सी पढ़ाई भी कर रही हूँ, मैं कुछ ऑनलाइन कोर्सेज के लिए मैंने साइन अप किया है, तो होपफुली जब तक लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगी तब मेरी डिग्रीज भी आ जाएंगी, मेरे सर्टिफिकेट भी आ जाएंगे इन कोर्सेज के हाथ में। लेकिन हाँ, बस ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, घर की देखभाल करना। फिलहाल हमारी खुशनसीबी भी है कि हमारे जो कुक है वो हमारे साथ रहते हैं, तो थैंक गॉड मुझे कुकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन घर की साफ सफाई ये सब चीज़ें तो हम लोग सब मतलब हाथ सब साथ में कर रहे हैं, और लेकिन मजा आ रहा है, अच्छा है। महेश भी है घर पे, नॉर्मली बहुत ही बिजी रहते हैं, तो उनके साथ भी थोड़ा सा वक्त बिताने के लिए मिल रहा है मौका। एंड दैट्स इट, अगर लॉकडाउन उठेगी तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं आइसक्रीम पार्लर जाने वाली हूँ, गर्मी इतनी बढ़ गई है कि दैट्स ऑल आई वांट, मुझे मुझे मैंगो आइसक्रीम खाना गर्मी। चलिए लारा और रिंकू, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोगों की ये जो साथ में जो पहली सीरीज आई है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और इसे पसंद करें। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।